अमेरिका के न्यूयॉर्क में रात के 9:30 बजे घनघोर बारिश में करीब 40,000 लोग दिल थामे हुए किसी का इंतजार कर रहे थे। ये वो काली रात थी जब न्यूयॉर्क में दर्द का सैलाब आने वाला था। 3 दिन से ये लोग टकटकी लगा एक जहाज का इंतजार कर रहे हैं जिसका नाम है कारपोथिया। कारपोथिया जहाज अपने साथ एक ऐसी दर्दनाक कहानी लेकर लौटा था जिसको सुनकर आज भी लोगों के दिल दहल जाते हैं। एक ऐसा जहाज जो कभी नहीं डूब सकता था, RMS टाइटैनिक, जिसने सैकड़ों लोगों की जिंदगियां समुंदर के हवाले कर दी। और कारपोथिया जहाज पर मौजूद हैं वो चुनिंदा लोग जिन्होंने टाइटैनिक के रौद्र रूप को अपनी आंखों से देखा था। ये दुनिया की वो दिल दहला देने वाला घटना थी जिसको कोई भी इंसान भूल नहीं सकता। ये घटना अपने पीछे कई रहस्यों को छोड़कर चली गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस दिल दहला देने वाला वीडियो में। 10 अप्रैल 1912 को जब टाइटैनिक ब्रिटेन के साउथ हैटन से न्यूयॉर्क जाने के लिए अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार था, तब वहां पर एक अलग ही माहौल था क्योंकि लोगों ने टाइटैनिक के बारे में इतना सुन रखा था कि वे टाइटैनिक की विशालता और उसकी सुंदरता को देखने के लिए उमर पड़े। ऐसा माना जाता है कि करीब 1,00,000 से भी ज़्यादा लोग टाइटैनिक की भव्यता को देखने के लिए आए थे। ऐसा मानो कि टाइटैनिक एक चलता फिरता लग्जरियस होटल था। लेकिन एक और बात टाइटैनिक को खास बनाती थी, वो थी टाइटैनिक की सेफ्टी। ये उस समय दुनिया का सबसे बड़ा सेफ और मजबूत जहाज था। टाइटैनिक को इस तरह से बनाया गया था कि इसका दूसरा नाम ही अनसिंकेबल था, मतलब कभी न डूबने वाला जहाज। और देखा जाए तो टाइटैनिक था भी एक ऐसा जहाज जो कभी नहीं डूब सकता था क्योंकि इसको बनाया ही कुछ इस तरह से गया था, क्योंकि इसमें डबल बॉटम हल का इस्तेमाल किया गया था। दरअसल हल जहाज के बाहरी आवरण को बोला जाता है जो जहाज को मजबूती देता है। यह स्टील का बना एक मजबूत स्ट्रक्चर होता है, इसे आप जहाज की रीढ़ की हड्डी भी बोल सकते हैं। टाइटैनिक का ये हल वैसे तो मजबूत था ही, लेकिन इसे और ज़्यादा सेफ बनाने के लिए टाइटैनिक के निचले वाले हिस्से यानी बॉटम में डबल हल का इस्तेमाल किया गया था। टाइटैनिक का दूसरा सेफ्टी फीचर इसे और ज़्यादा सेफ बना देता है। दरअसल टाइटैनिक को 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया था। दरअसल जहाज का ये निचला वाला भाग शिप का मेन पोर्शन होता है जो पानी के अंदर चलता है। अब अगर मानकर चलो कि जहाज के इस वाले हिस्से में कहीं पर भी कोई छेद हो जाए तो धीरे धीरे जहाज के अंदर पानी भरने लगेगा और कुछ समय बाद जहाज पानी के अंदर डूब जाएगा। लेकिन टाइटैनिक के इस निचले हिस्से को 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में बांटा गया था। इससे फायदा ये होने वाला था कि अगर बाई चांस जहाज साइड से किसी चट्टान से टकराता है और उसमें लीकेज होता है तो जहाज का जो कंपार्टमेंट क्षतिग्रस्त हुआ है केवल उसी में पानी भरेगा और बाकी के कंपार्टमेंट्स में पानी फ्लो नहीं करेगा, जिससे जहाज डूबने से बच जाएगा। टाइटैनिक को वाटर स्टार लाइन कंपनी ने करीब 3 सालों में बनाकर तैयार किया था। 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज बनकर तैयार हो चुका था और इसके कुछ दिन बाद यानी 10 अप्रैल 1912 को इसे अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार किया जाता है। साउथ हैटन से न्यूयॉर्क पहुंचने में 7 से 8 दिनों का समय लगता था, लेकिन टाइटैनिक उस जमाने का सबसे तेज चलने वाला जहाज था तो वाटर स्टार लाइन कंपनी चाहती थी कि ये जहाज 6 दिन में न्यूयॉर्क पहुंचे और लोग टाइटैनिक की भव्यता के साथ साथ इसकी रफ्तार को भी देखें। कुछ क्रू मेंबर्स को हटाकर टाइटैनिक के क्रू मेंबर में शामिल किया गया। टाइटैनिक का एक ऑफिसर था डेविड ब्लेयर। डेविड ब्लेयर जब शिप को छोड़कर अपने घर जा रहा था तो वो गलती से अपने लॉकर की चाबी को भी अपने साथ ले आया और दुर्भाग्य से टाइटैनिक पर मौजूद इकलौता दूरबीन भी उसी लॉकर में बंद था। डेविड ब्लेयर के द्वारा की गई एक छोटी सी गलती आगे चलकर टाइटैनिक को डुबो देती है। आखिर वो घड़ी आ ही गई जब 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपने पहले ऐतिहासिक सफर पर रवाना होता है। कैप्टन स्मिथ भली भांति जानते थे कि साल के इन महीनों में समुद्र में बहुत ज्यादा आइसबर्ग मिलते हैं। इस वजह से उन्होंने खतरे को भांपते हुए नॉर्दर्न रूट के सीधे रास्तों को छोड़ते हुए साउदर्न रूट के इस थोड़े लंबे रास्ते को चुना। जब जहाज में आइसबर्ग इत्यादि को देखने के लिए ज़्यादा कोई खास टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, इस वजह से जहाज के सामने थोड़ी ऊंचाई पर एक क्रोज नेस्ट होता है, इसे लुकआउट बे भी बोला जाता था। इस क्रोज नेस्ट में हमेशा 1 से 2 लोग दूरबीन लेकर बैठे रहते हैं जो दूर तक सामने देखते रहते हैं कि जहाज के सामने कोई अड़चन तो नहीं है जिससे जहाज टकराया जाए। और जब ये जहाज पानी में चलते तो ये सभी जहाज वायरलेस रेडियो के जरिए एक दूसरे को संदेश भेजते रहते कि कौन सी जगह पर क्या अड़चन है। जब टाइटैनिक आधे रास्ते पर पहुंच चुका था तब इसको कैलिफोर्निया शिप से आइसबर्ग होने की पहली चेतावनी मिलती है। ये आइसबर्ग
अभी टाइटैनिक से एक दिन की दूरी पर था। टाइटैनिक पर सीनियर ऑफिसर जैक कैलिफ इस वायरलेस रेडियो सिस्टम को ऑपरेट कर रहे थे और दूसरे जहाज के साथ संपर्क में बने हुए थे। 14 अप्रैल को दोपहर में टाइटैनिक को आइसबर्ग होने की दूसरी चेतावनी मिलती है। वायरलेस ऑपरेटर जैक कैलिफ इन चेतावनियों के बारे में जहाज के कप्तान को आगाह करते हैं। टाइटैनिक के इस पहले सफर पर टाइटैनिक का मालिक जोसेफ ब्रूस भी था। जब कैप्टन स्मिथ ने जहाज के मालिक ब्रूस को आइसबर्ग की मिलने वाली चेतावनियों के बारे में बताया तो ब्रूस ने इन चेतावनियों को नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि उसका मानना था कि समुद्र में आइसबर्ग मिलना एक आम बात है। रात के 11:30 बज चुके थे और अब टाइटैनिक आइसबर्ग से महज 6 किलोमीटर दूर था और जिस रफ्तार से टाइटैनिक चल रहा था उस रफ्तार से अगले 10 मिनट में आइसबर्ग के पास पहुंचने वाला था। टाइटैनिक के क्रूज नेस्ट में दो बहादुर लोग फ्रेडरिक फ्लीट और रेजिनाल्ड ली, ये दोनों कड़कड़ाती ठंडी और रात के काले अंधेरे में टकटकी लगाए जहाज के सामने आने वाली अड़चन को देख रहे थे। इन दोनों के लिए परेशानी ये थी कि इनके पास कोई दूरबीन भी नहीं था, जिस वजह से ये ज़्यादा दूर की चीज़ों को देख भी नहीं पा रहे थे। कम रोशनी में आंखों से ज़्यादा दूर मौजूद चीज़ों को देख पाना संभव नहीं था। रात के 11:30 पर क्रूज नेस्ट में बैठे फ्रेडरिक फ्लीट को दिखाई देता है कि सामने एक आइसबर्ग है। उसने बिना देर किए जल्दी से 3 बार घंटी को बजाया और तुरंत ब्रिज पर मौजूद ऑफिसर्स को फ़ोन करता है और बताता है कि सामने आइसबर्ग है, जल्दी से जहाज को लेफ्ट साइड में मोड़ो। ब्रिज पर मौजूद फर्स्ट ऑफिसर विलियम्स ने जैसे ही चेतावनी को सुना उसने तुरंत एक्शन लेते हुए जहाज को रोकने के लिए फुल स्पीड में रिवर्स में इंजन को चालू कर दिया और जहाज को तेज़ी से लेफ्ट साइड में मोड़ने लगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, जहाज की रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि इतने कम समय में रिवर्स इंजन चालू करने के बाद भी इसे रोका नहीं जा सकता था और जहाज इतना बड़ा था कि कम डिस्टेंस में एकदम इसको मोड़ा नहीं जा सकता था। काफ़ी हद तक टाइटैनिक के रास्ते को मोड़ दिया गया, फिर भी रात के 11:40 पर टाइटैनिक आगे का राइट वाला हिस्सा बर्फ की चट्टान से टकरा जाता है। ये टकराव इतनी जोर से हुआ कि जहाज पर मौजूद सभी यात्रियों को इसे हिला कर रख दिया। दुर्भाग्य से टाइटैनिक का डबल बॉटम हल किसी काम नहीं आया, क्योंकि आइसबर्ग से ये इंपैक्ट जहाज के साइड में हुआ था जहाँ पर सिंगल लेयर ही लगी थी। जब कैप्टन स्मिथ ने नुकसान की जांच पड़ताल की और जहाज में हुए नुकसान को देखा तो पता चला कि जहाज के 6 कंपार्टमेंट्स में डैमेज हो चुके हैं और उनमें तेजी से पानी भरता जा रहा है। ये देखकर कैप्टन स्मिथ शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जहाज केवल 4 कंपार्टमेंट्स के भरने तक ही तैर सकता था, लेकिन 6 कंपार्टमेंट्स में पानी भरने का मतलब था कि जिस जहाज को अभी तक अनसिंकेबल बोला जा रहा था अब वह डूब जाएगा। टकराव को अब तक 20 मिनट गुजर चुके थे और रात के 12:00 कैप्टन स्मिथ ने क्रू को डिस्टेंस सिग्नल भेजने के लिए कहा ताकि आसपास मौजूद कोई जहाज उन्हें बचाने के लिए आ जाए, और वायरलेस ऑपरेटर जैक क्लिप्स लगातार डिस्टेंस सिग्नल भेजने में जुट गए। लेकिन दुर्भाग्यवश आसपास कोई भी जहाज ऐसा नहीं था जो टाइटैनिक द्वारा भेजे जा रहे डिस्टेंस सिग्नल को पकड़ पाए। 6 कंपार्टमेंट्स पानी से भर चुके थे और पानी अब डेक के ऊपर से बहने लगा। कैप्टन स्मिथ लाइफ बोट्स को समुंदर में उतारने का आदेश देते हैं और सभी लाइफ बोट्स को बाहर निकाला जाने लगा। दुर्भाग्यवश उस समय टाइटैनिक पर केवल 20 लाइफ बोट्स मौजूद थी और एक लाइफ बोट की क्षमता केवल 65 लोगों को ही थी। 20 लाइफ बोट्स के द्वारा केवल लगभग 1200 लोगों को ही बचाया जा सकता था और जहाज पर 2200 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। हड़बड़ी में शुरुआती में जो लाइफ बोट्स उतारी जा रही थी उनमें केवल 27 से 28 लोगों को ही भेजा जा रहा था और लाइफ बोट्स को केवल आधा ही भरा जा रहा था। प्रोटोकॉल ये था कि औरतों और बच्चों को पहले लाइफ बोट्स में भेजा जाएगा। जहाज पर अभी भी कुछ लोग ऐसे थे जो ये मान रहे थे कि जहाज कभी डूब ही नहीं सकता और वह एकदम रिलैक्स थे। इधर जैक कैलिफ लगातार डिस्टेंस सिग्नल भेज रहे थे और सौभाग्य से इनका डिस्टेंस सिग्नल पास में मौजूद एक जहाज कारपोथिया को मिला और 12:30 पर कारपोथिया जहाज से संदेश आता है कि वो टाइटैनिक पर मौजूद लोगों को बचाने आ रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि कारपोथिया जहाज अभी भी टाइटैनिक से करीब 107 किलोमीटर दूर था और कारपोथिया अपनी फुल स्पीड पर भी चलता तब भी कारपोथिया को टाइटैनिक तक पहुंचने में 4 घंटे का समय लगने वाला था। अब सवाल ये था क्या 4 घंटे तक टाइटैनिक सरवाइव कर पाएगा। जैसे जैसे टाइटैनिक के आगे के हिस्से में पानी भरता जा रहा था वैसे वैसे जहाज आगे की ओर झुकता जा रहा था और पानी में धंसता चला जा रहा था। जब टाइटैनिक का टिल्ट बढ़ने लगा तो लोगों में अफरा तफरी मच गई। अब सबको समझ आ चुका था
कि टाइटैनिक अब डूब जाएगा और सब लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बोट्स में चढ़ने के लिए अपनी अपनी जगह बनाने की कोशिश करने लगे। लाइफ बोट्स में फर्स्ट क्लास के लोगों को बचाने में ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही थी और 1:50 पर अब जहाज के आखिरी लाइफ बोट को उतारा गया। उसके बाद भी जहाज पर 1500 से ज़्यादा लोग बचे थे। चारों ओर खौफ का माहौल था। जो लोग तैर सकते थे वे समुद्र के पानी में छलांग लगा रहे थे, लेकिन इस समय तो समुद्र भी बेरहम दिख रहा था। समुद्र का पानी 2 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा था। इतने ठंडे पानी में कोई भी व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 30 मिनट तक ही जिंदा रह सकता था। कुछ लोगों ने तो मौत को स्वीकार कर लिया और वे मौत को गले लगाने के लिए तैयार थे, लेकिन इधर जहाज के क्रू मेंबर्स अभी भी मदद की आस में डिस्टेंस सिग्नल भेज रहे थे, आसमान में फ्लेयर्स चला रहे थे ताकि आसपास मौजूद किसी जहाज का ध्यान उनकी ओर जाए और वे उनको बचा लें। लेकिन कोई भी जहाज उनको बचाने के लिए नहीं आता है। टाइटैनिक में पानी के भरने की रफ्तार बढ़ती जा रही थी और टाइटैनिक बहुत तेज़ी से डूबने लगा। टाइटैनिक का आगे का भाग पूरी तरह से पानी के अंदर घुस चुका था और पिछला वाला हिस्सा पानी के ऊपर उठने लगा। अब जहाज के कप्तान स्मिथ ने अपने क्रू को भी बोल दिया कि अपनी अपनी जान बचाओ, और थोड़ी देर बाद शॉर्ट सर्किट होता है और जहाज की लाइट चली जाती है और फिर टाइटैनिक समुद्र की आगोश में समा जाता है। केवल 706 लोग ही इस हादसे में जिंदा बचे थे। 3 दिनों के बाद 18 अप्रैल 1912 को रात के 9:30 कारपोतिया न्यूयॉर्क में पहुँचा, जहाँ पर 40,000 लोग तेज बारिश में कारपोतिया का इंतजार कर रहे थे। इस हादसे के बाद कई ऐसे सवाल खड़े हुए जिनका जवाब आज भी लोग खोज रहे हैं, लेकिन जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। जब टाइटैनिक डूबा था तब उस पर मौजूद हर व्यक्ति को बचाया जा सकता था, क्योंकि टाइटैनिक से महज 37 किलोमीटर दूर एक और जहाज मौजूद था जो समय पर आकर मदद कर सकता था। ये वही एसएस कैलिफोर्निया जहाज था जिसने आखिरी बार टाइटैनिक को आइसबर्ग होने की चेतावनी भेजी थी, लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि एसएस कैलिफोर्निया जहाज टाइटैनिक की मदद करने के लिए नहीं गया। ये रहस्य आज भी लोगों को खून के आंसू रुला देते हैं और इसका जीता जागता सबूत है समुंदर में दबा टाइटैनिक का मलबा। तो ये थी टाइटैनिक की दर्दनाक कहानी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।